हेलो क्रिकेट बडीज, वेलकम टू गाइड मी आउट ऑफ द बॉक्स। वेल, आप लोगों को पता है कि इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ डूज एंड डोंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक डू के बारे में। वेल, वो डू है क्या? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो तो आपको इस डू का रिजल्ट इसी वीडियो में मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेल, आप लोग कोई ना कोई क्रिकेट एकेडमी में जाते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग करते क्या हो? वेल, आप नेट्स के अंदर ही सवाल करते हो कोचेस से, सर ये शॉट अच्छा था, काफ़ी ड्रैग हो रहा हूँ, क्या हो रहा है? तो कोच क्या आपको फीडबैक देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, कोच सामने से आपको फीडबैक देते हैं, अरे काफ़ी बाहर के बॉल खेल रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी बहुत है, तो उस बॉल को लीव कर, ठीक है? तो वैसे फीडबैक देते हैं, और अगर आप वैसा करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, वैसे सवाल करते रहो। लेकिन आज का डू हमारा ये नहीं है। तो हमारा डू है क्या? जब भी सेशन ख़त्म हो जाए, यानी कि आपका प्रैक्टिस का टाइम ख़त्म हो जाए, तब आप सामने से कोच के पास जाओ और उनसे दो सवाल करो। वेल, आज की मेरी प्रैक्टिस कैसी थी, आज की मेरी गलती क्या थी, ये था दूसरा सवाल। वेल, आप ये दो सवाल पूछो, हर रोज़ पूछना है। वेल, और मैंने क्या बोला, आज की मेरी गलती क्या थी, अगले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दो दिन पहले की गलती क्या थी। और आपको जितने ज़्यादा फीडबैक मिलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इम्प्रूव होने के। और मान लो कि अगर आप फ्रेंड से पूछते हो, कोच से नहीं पूछते हो, तो उसमें आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? वेल, वो प्लेयर जो भी आपका फ्रेंड है, वो आपका सोचेगा कैसे, उसका माइंडसेट एक प्लेयर की तरह काम करेगा, और वो क्या सोचेगा कि अगर ये शॉट इसने ऐसे खेला है, मैं भी वैसे ही खेलता हूँ, तो मतलब इसने सही से खेला है। वेल, इसीलिए ये यहाँ पे होती है गलती। इसलिए आपको कोच को पूछना चाहिए, कोच कैसे देखेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो सिर्फ एक कोच देखता है। इसलिए आपको हर रोज़ कोच के पास जाना है और ये दो सवाल करने हैं। तो क्योंकि क्या है, जितने ज़्यादा फीडबैक मिलेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। और प्रूफ के बारे में बोलूँ तो एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ। वेल, उससे पहले कि आपको कोच सामने से जवाब देते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के प्लेयर होते हैं। एक क्या होता है कि कोच ने कुछ बोला और वो लोग उस बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर हर शॉट के बाद देखते हैं कि यार मैंने अच्छा खेला नहीं खेला, तो उन पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है। और दूसरे कैसे होते हैं कि उनको गुड फीडबैक की तरह लेते हैं, अच्छा मैं काफ़ी बार के बॉल खेल रहा हूँ, तो फिर उसके बारे में ध्यान रखते हैं और उसे इम्प्रूव कर देते हैं। तो वैसा करते हो तो काफ़ी अच्छा है, और ये डू भी ज़रूर फॉलो करना। वेल, क्योंकि क्या होता है कि हर एक प्लेयर होता है ना, वो अलग होता है, उसकी अलग यूनिक स्ट्रेंथ होती है, अलग क्वालिटी होती है, इसीलिए। और इसके ऊपर मैंने अभी एक दो ही वीडियो बनाए हैं। ये सीरीज़ काफ़ी छोटी है, सिंपल है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, और इसका इम्प्रूवमेंट आप भी देख सकते हो अगर आप फॉलो करते हो तो। तो चलिए, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है। वेल, मान लो कि मैंने इसके ऊपर 10 वीडियो बनाए, 10 छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के, और उसमें से दो तो आपने पहले से हटा दी कि यार ये क्या है, मुझे फॉलो ही नहीं करनी है, मुझे मज़ा नहीं आया, जो भी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। वेल, बची कितनी, 8, ठीक है? और आपने मान लो कि चलो मान लो 8 हो कि 8 फॉलो कर दी, और आपको फॉलो कैसे करनी है, एक दिन फॉलो नहीं करनी है तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 7 डेज के लिए फॉलो करो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, पता चले क्या हो रहा है, ठीक है? तो और हो सकता है कि आपको 8ों की 8ों फॉलो कर दी, लेकिन आपको हो सकता है एक या फिर दो में ही आपको रिजल्ट मिला, तो उसे और फॉलो करो। अगर आपको एक या दो में रिजल्ट मिला है, उसे और 7 दिन के लिए फॉलो करते जाओ तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए काम कर रही है, तो उसे और उसके ऊपर स्टिक रहो और फॉलो करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये दो काम करे तो आपके फ्रेंड के लिए भी ये दोनों वो फॉलो करेगा और उसे भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, सबकी यूनिक क्वालिटी होती है, सबकी अलग स्टाइल होती है, और सीखने की शक्ति भी अलग होती है। तो आप भी मुझे फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि क्या है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अभी बोला है, आधे को लगा होगा कि यार ये चीज़ सही है, ये इसने गलत बोला है, तो आप भी मुझे फीडबैक दो, ताकि मुझे चांस मिलेगा इम्प्रूव करने का, और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो भी बना सकता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा, जितने ज़्यादा मेरे पास फीडबैक है उतने ज़्यादा मेरे पास चांसेस है इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी तरह से आप भी जितने सवाल करोगे कोचेस से हर रोज़, उसे फॉलो करो, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे क्रिकेट बडीज़ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।